बहुत अच्छा। चलो यार तेरा सुपरस्टार। चलो क्वेश्चन लगाओ अब। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, देखो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था जो इंडिया है इंडस नदी के कारण, यहां पर देखिए कि यहां के जो निवासी थे उनके लिए इंडिया शब्द हुआ। और इंडिया आपको शब्द किसके द्वारा किया गया था, यह ग्रीक द्वारा, ग्रीक द्वारा किया गया था, आपको पता होना चाहिए ग्रीक शब्द है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा, ग्रीकों द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से देशांतर भारत की मानक मध्यमान रेखा है। भारत की मानक मध्यमान रेखा कहने का मतलब कि वो कौन सा देशांतर रेखा है जो कि टाइमलाइन निर्धारित करता है। तो देखोगे कि अगर हम पृथ्वी अगर बना ले यहाँ पर, अगर ये रहा आपका पृथ्वी और ये रहा आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये आपको देखोगे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा देखोगे लंदन से पार होता है, ग्रीनविच रेखा जिसे कहा जाता है रेखा, और भारत का रेखा देखोगे यहाँ से पार होता है यानी कि 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री देखोगे, और यहाँ पर लिख लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री रेखा। आप देखोगे 82.5 डिग्री, और भारत कहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है। एक मिनट, भारत भारत को ऐसे पार करता है यानी कि यहाँ से 5 राज्यों से होकर ये पार करता है, और ये 5 राज्यों में नाम पूछता है। अब पहले पूछ रहा है ये कहाँ से होकर पार करता है, तो इलाहाबाद के नैनी से पार करता है, और ये कितना होता है, तो 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब में है, इसे याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूरब में है। ठीक है, तो मतलब कि जहाँ ये इंग्लैंड है इसे आपको 5 घंटे 30 मिनट हम लोग आगे हैं, ये भी याद रखिएगा, यानी 5.5 घंटे हम लोग पूरब में हैं। तो ये तुम्हारा कौन सा है, ये टाइम टाइम तुम्हारा निर्धारित करता है यानी कि समय निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, समय रेखा इसे बोला जाता है। ठीक ना, अब यहाँ पर देखोगे एक रेखा पाया जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा, वो दिन निर्धारित करता है, वो जो है दिन निर्धारित करता है। और आगे चलो क्वेश्चन और भी मिलेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री देखोगे अक्षांश रेखा के बारे में पूछता है, किसके बारे में पूछता है, अक्षांश रेखा के बारे में पूछता है। ठीक, अक्षांश रेखा के बारे में पूछता है। तो ये जो होता है ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। इसके आंसर क्या लगा, पश्चिम बंगाल होता है, या इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये जो होता है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे कि सबसे पहले यूपी में, मध्य प्रदेश में, नीचे की तरफ आइएगा तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश निकल जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। याद है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का दूर दक्षिणी भाग, दूर नहीं यहाँ पर दूर हो जाएगा, दूर दक्षिणी भाग कौन सा होगा, यहाँ पर दूर कर लेना, क्या हो जाएगा, दूर दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, दूर दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। ग्रेट निकोबार में देखोगे पड़ता है ना आपको इंदिरा पॉइंट, तो वो देखोगे वहां से आप विषुवत रेखा के बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो वो 876 किलोमीटर है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार के लिए, यदि ध्यान रखिएगा, 876 किलोमीटर पड़ता है वहां से विषुवत रेखा के, भारत विषुवत रेखा से भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा 876 किलोमीटर हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बताना है कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की, चलो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखो भारत के देता है जलीय सीमा की लंबाई, भारत का तटरेखा देता है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई देता है, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य दे देगा, सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य दे देगा, सबसे, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लो स्थलीय सीमा टोटल देखा जाए तो यहाँ पर है 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल जलीय सीमा कितना है, तो इसमें से टोटल जलीय सीमा हो जाएगा 1516 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी किलोमीटर हो जाएगा। अब ये टोटल जो हो जाएगा स्थलीय और जलीय हो जाएगा, लेकिन मुख्य भूमि का पूछे, यानी कि ये देखो ये जो मुख्य भूमि का अगर पूछे कि मुख्य भूमि का बताइए, मुख्य भूमि का सिर्फ बताइए, ये जो मुख्य मतलब मुख्य तटरेखा वाला, मुख्य भूमि नहीं, मुख्य तटरेखा जो मुख्य भूमि का पूछे, ये होता है कितना, 6100 किलोमीटर होता है, इसे भी याद रखिएगा। और यही में इसी में आपको देखो लक्षद्वीप वाला जोड़ दे, अंडमान निकोबार द्वीप वाला जोड़ दे, ये हो जाता है 7500, आपको 16 किलोमीटर हो जाता है। ठीक ना, और बाकी ऊपर के जो स्थलीय सीमा है आप देखिएगा, ऊपर के जो स्थलीय सीमा है टोटल मिला लिया जाए, स्थल सीमा हो जाता है, तो हो जाता है 15,200 किलोमीटर हो जाता है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, चलो हम बनाकर दिखाते हैं। पहला नंबर पूछेगा आपका कि भारत की स्थलीय सीमा जो आप देखिएगा कि पूछ देगा, तो आप आराम से लगा लीजिएगा। आपसे यहाँ पूछेगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा।
क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा यूपी हो जाएगा सबसे बड़ा, सिक्किम जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पहला पूछे तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है सीमा से, अब देखो सबसे छोटा सीमा वाला यानी कि सबसे छोटा जो आपसे पूछे कि तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य पूछे तो गुजरात लगा देना, यानी गुजरात यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हो जाएगा तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, और उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आ जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको तो लगा लेना है, बाकी देखो और कोई क्वेश्चन पूछे देखा जाएगा आगे जो जो क्वेश्चन मिलेगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई क्या हो जाएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है पूर्व से पश्चिम, मान लो ये उत्तर से दक्षिण पूछेगा पूर्व से पश्चिम पूछेगा, यही तो लंबाई पूछ सकता है ना। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई देखो कि कितना होता है, ये रहा उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई, ये रहा पूर्व से लेके, आपको ये पूर्व है यहाँ मान लो यहाँ पश्चिम, पूरब में सबसे अब देखोगे बिंदु जो होता है पूरब का बिंदु देखोगे सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पर गुजरात ये सबसे पश्चिमी हो जाएगा, ऊपर में लद्दाख पड़ेगा, नीचे में कन्याकुमारी पड़ेगा मुख्य भूमि से। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितना होता है उत्तर से लेकर दक्षिण तरफ, तो 3214 किलोमीटर होता है, कितना होता है 3214 किलोमीटर होता है आपको भारत के उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम देखो पूछेगा तो 2933 किलोमीटर होता है ना, यही ना होता है आपसे क्वेश्चन पूछे तो यही तो होता है 3287263 किलोमीटर आपको स्क्वायर जो होता है इसका क्षेत्रफल होता है, इसे भी याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे तो। क्या दिक्कत है, सही तो है, क्या दिक्कत है, चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो पड़ता है ये कितना होता है 3287263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है, और भारत जो होता है इसका 2.42% जो होता है मात्र, इतना ही क्या है टोटल वर्ल्ड का बने पूरे विश्व के क्षेत्रफल का इतना आपके पास कितना है भारत के पास क्षेत्रफल है, बट जनसंख्या कितना है 17.5% जनसंख्या है पूरे विश्व का, ये भी याद रखिएगा। भारत जो है ये क्या है, देखो भारत जो है ये सातवां सबसे बड़ा देश है, यानी कि ये सातवां सबसे बड़ा देश है, इसे भी याद रखिए। इससे आपको 6 बड़े देश कौन से हो जाएंगे, रसिया हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, देखोगे ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये ऐसे देश है जो कि भारत से भी बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से भारत अब पहले स्थान पर आ गया है, दूसरे स्थान पर चला गया है चाइना, इसे भी याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या लगा लोगे, इसके आंसर लगा लोगे आपको 2.4% जो हो जाएगा पूरे विश्व का क्षेत्रफल भारत में निवास करता है, और जनसंख्या के हिसाब से भारत पहले स्थान पर है। क्वेश्चन 7 देख लो, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। तो मैदान का विस्तार संपूर्ण भारत पर देखोगे कितने परसेंट भाग पर मैदान पाया जाता है लगभग आपको बताना है, यानी कि मैदान यहाँ कर देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाया हुआ है, और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक खादर यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी, एक बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जितने भी जलोढ़ मिट्टी बनाई जाती है वो नदी द्वारा जो निक्षेप की हुई मिट्टी लाया जाता है उसी के द्वारा बनाया जाता है, और यहाँ पर देखोगे ये हो जाएगा 43% जो पाया जाता है भारत में, क्या पाया जाता है ये भूभाग पाया जाता है जो कि समतल है यानी कि मैदानी क्षेत्र है, ठीक ना, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे तो आराम से इसे लगा लीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलो और भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आगे जो पठार कितना पाया जाता है और ये सब नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन लिया गया है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा पॉइंट जो है अन्य नाम क्या है। देखो इंदिरा पॉइंट जो है इसका आपको अन्य नाम बताना है, सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है वो इंदिरा कॉल होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे ऊंची बिंदु यानी कॉल लगाना है। तो कॉल लगाने के लिए कहां जाओगे, किसी को कॉल लगाना है तो ऊपर जाओगे, यानी कि सबसे ऊपर वाला बिंदु यानी सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, और सबसे निचले बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, और ये इसको पहला नाम था इसका पार्सन पॉइंट भी नाम था, ला ही चिंग नाम था पहले इसका, पिग्मेलियम पॉइंट भी इसका नाम था, यानी कि उपरोक्त में से सभी पहले इसका नाम था। यह क्वेश्चन पूछता है कि पहले काला पानी का सजा दिया जाता था, तो काला पानी की सजा कहां भेज दिया जाता था, वहीं आपको अंडमान निकोबार वाला जेल में भेज दिया जाता था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्थित है। एडम ब्रिज जो है ये किस दो देशों के बीच में है, ये आपको बताना है, एडम्स का ब्रिज जो है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है, लगाइए यहाँ पर। तो एडम्स ब्रिज जो पाया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है, आदम की पुल जिसे बोला जाता है, आप नहीं देखे हैं मूवी में देखे होंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डोमुरमध भी पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एलिफेंटा आपको पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर मिलता है, तो वो भी आपको श्रीलंका में ही मिलता है, श्रीलंका में घास का मैदान मिलता है जिसका नाम है पटाना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा आपको विभक्त करती है। मैकमोहन रेखा जो विभक्त करती है भारत और भारत के पड़ोसी देश है जो पहले जनसंख्या में ज़्यादा था। सर कल का ऑफलाइन क्लास का वीडियो हम लोगों को मिलेगा,
कल अभी ऑफलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स में सिलेबस पर डिस्कस करने वाला हूँ, रणनीति पर बात करूंगा, कैसे तैयारी कराया जाएगा क्या। तो कल तो बस रणनीति के ऊपर बात होगा, परसों से हो जाएगा। तो तुम वीडियो लेकर क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करूंगा तब ना लोगे, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन का क्लास अलग होगा, ऑनलाइन का क्लास अलग होगा, उसमें कोई ये इसमें कोई ये बीच में दाल भुंजिया ये नहीं बनाना है, ठीक ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अगर किसी से क्लास हो रहा है तो किसी को खड़ा कराकर कुछ पूछ सकते हैं, अब किसी से खड़ा कराकर कुछ पूछेंगे तो तुम लोग डिस्टर्ब होगे कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो समय बर्बाद होगा। इसलिए ऑफलाइन क्लास में ये सुविधा देना चाहिए कि कोई से पूछ सकते हो या कोई तुमसे पूछ सकता है, ठीक ना, ये बेटर होगा। तो उतना नहीं तुम लोग समय दे पाओगे ना, मान लो कि हमको पूछना है, खड़ा हो जाओ बताओ, तुमको कल पढ़ाए थे ना, बताओ इस बारे में, ये तुमसे नहीं ना बोल सकते खड़ा हो जाओ, तुम तो खड़ा हो जाओगे लेकिन बताओगे कैसे, ठीक। ये देखो कौन से दो देशों के बीच में मैक मोहन रेखा पाया जाता है, तो मैक मोहन रेखा जो होता है ये बताना है किस देश के बीच में पाया जाता है, ये भारत और चीन के बीच में पाया जाता है मैक मोहन रेखा। भारत और अब देखोगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस समय डुरंड रेखा पाया जाता था, लेकिन जो पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा पाया जाता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या पाया जाता है, डुरंड रेखा पाया जाता है, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला किस देश है, सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा वाला देश है आपको, सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला भारत का देश के साथ है, यानी सबसे छोटा जो स्थल सीमा लगता है भारत का वो किस देश के साथ लगता है, और उसमें जो बॉर्डर लगता है वो लद्दाख वाला बॉर्डर लगता है, बताओ। सर मैं भी पटना आकर आपका क्लास चाहता हूं, मोस्ट वेलकम है, बट जो भी आएंगे अपना कम से कम जितना समय मैं, अगर मान लो कि लास्ट में मैं 6-6, 8-8 घंटा भी ले सकता हूं ऑफलाइन क्लास, तो ऑफलाइन क्लास को क्यूज वाला भी सुविधा प्रदान किया जाएगा, तो वो चीज़ जो है वो आपको ये सोच कराइएगा कि पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 4-5 घंटा तो यहीं पर देना पड़ेगा, तभी आइएगा, नहीं तो घरे बैठकर चुपचाप पढ़ाई कीजिए, वहाँ से भी निकाल सकते हैं एग्जाम, ऑनलाइन में जुड़े हैं ना एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ जुड़ी है, सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है भारत की किसके साथ जुड़ी है, तो 106 किलोमीटर के जोड़ो, 106 किलोमीटर जो जुड़ा हुआ है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, भारत और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अभी POK वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है ये वाला हो जाएगा। अब देखोगे कि पूछेगा कि नेपाल के साथ सबसे बड़ा किसका बॉर्डर लगता है, नेपाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर यूपी का लगता है, इसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो लगा लेना। म्यांमार के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर किसका लगता है, तो ये लगता है अरुणाचल प्रदेश का, म्यांमार के साथ साथ चीन का भी लगता है, चीन से भी आपको अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। भूटान देखो, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है, तो पता ही होना चाहिए तुम लोगों को कि भूटान का, देखो और भी आगे क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें आपको ये बॉर्डर वाला काम क्लियर करूंगा, ठीक ना, वो मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, तो कोकण जो तट है ये आपको पश्चिमी तट है, क्या है, पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट देखो, पश्चिमी और यहां पर देखो ये जो हो गया मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पश्चिमी जो तट हुआ और पूर्वी जो तट हुआ, आकर यहां पर देखो मिलता है नीलगिरी पहाड़ी पाया जाता है, और यहीं पर चंदन की लकड़ी भी पाया जाता है, यानी कि चंदन की लकड़ी, और यहीं पर एक मूवी बना था लकड़ी के लिए, आप देखोगे कौन सा, पुष्पा झुकेगा नहीं, कौन वाला मूवी था, यहीं पर वो चंदन की लकड़ी को क्या करता है लोग एक जगह से दूसरे जगह बेचते हैं, मतलब यहाँ देखो कोकण तट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो गोवा से लेकर दमन के बीच में जो तट हो जाएगा ये कोकण तट हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा, यानी दमन से लेकर गोवा तक हो जाएगा, ऊपर रहेगा दमन नीचे रहेगा गोवा, उसके बीच के जो तट होते हैं उन्हें कोकण तट कहा जाता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए पश्चिमी तट को सहाद्री तट कहा जाता है, और पूर्वी तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, लेकिन कोरोमंडल तट में भी अलग अलग तट है, उसे भी आपको पढ़ाया जाएगा, चिंता मत कीजिए, पढ़ाया तो गया ही है। क्वेश्चन यहाँ 13 देख लीजिए, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, जो न्यू मोर द्वीप है इसके इससे लेकर आपको लड़ाई भी चलते रहता है बांग्लादेश और भारत के बीच में, देखो तो न्यू मोर जो द्वीप है ये कहां पर स्थित है, ये देखो कि कहां पर स्थित है, ये आपको बंगाल की खाड़ी में मिलेगा न्यू मोर दो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के द्वीपीय राज्य दो है, यानी द्वीप से जो भारत का राज्य है एक लक्षद्वीप पड़ता है, और यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, लक्षद्वीप की क्षेत्रफल सबसे कम है, इसे भी याद रखिएगा आपको केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, वर्तमान में भारत के किस स्थान से सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, सफेद पानी के नाम से, काला पानी के नाम से कौन जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार वाला जो सेलुलर वहां पर जेल था वहां पर वो आप जानते थे काला पानी के सजा हो जाता था। वर्तमान में आप देखिएगा कि ये सफेद पानी या सियाचिन के नाम से जाना जाता है, सियाचिन आप जानते ही है, सियाचिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, सियाचिन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते क्वेश्चन देखिए, यहां पर 15 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अब यहां पर बताओ इसमें से तुमको एक क्वेश्चन तो श्योर एकदम आएगा, तो ये अगर हाई लेवल का क्वेश्चन देगा तो इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देगा, इजी क्वेश्चन देगा, ये तुमको कभी नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो लगाओ यहां पर क्वेश्चन लगाओ कि भारत के क्षेत्रफल, अब बढ़ जाइए ना, बढ़ जाइए, खड़े कहां हैं, बढ़ जाइए आराम से,
भारत का जो क्षेत्रफल है, ये देखो भारत, भारत के क्षेत्रफल का भाग जो है 29.3% जो हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का पठारी भाग हो जाएगा 27.7% और यहाँ का भारत के क्षेत्रफल का मैदानी अभी मैंने बताया 43% के करीब आपको भाग हो जाएगा। और भारत का अक्षांशीय विस्तार तो तुम लोग को याद ही है कि 8° 4' से लेकर 37° 6' तक होता है, आपको इसे भी याद रखिएगा। यानी मिलान सही नहीं है, कौन सा सी वाला आंसर जो हो जाएगा, मिलान सही नहीं हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, मिलान सही नहीं हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी देखो क्वेश्चन काफी है, 65 क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता था। अभी भी देखोगे उस वो वाला जो आपको है ना, जैसे मैकमोहन रेखा है, वो मुख्य रूप से देखोगे नेफा वाला ही आपको रेखा निर्धारित करता है, ठीक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखोगे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बिहार के सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश का 17 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं, ये 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में देखोगे कि नेफा के नाम से पहले जाना जाता था, इसे भी याद रखिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबसे पूर्वी राज्य है। क्वेश्चन 17 देख लो, पटकाई, बूम पटकाई पहाड़ी भारत के किससे अलग करती है। तो बूम पटकाई या पटकाई जो पहाड़ी होती है, ये किसको अलग करती है भारत से, तो ये पूर्वी राज्यों में पड़ता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूर्वी राज्यों में पड़ता है। और पूर्वी राज्यों में पड़ने के कारण ये देखोगे किसको अलग करता है, तो पहले जिसका बर्मा नाम था यानी कि म्यांमार, बर्मा यानी कि म्यांमार आप देखोगे ये कब अलग हो गया था, तो ये देखोगे कि 1935 के अधिनियम द्वारा इसको अलग कर दिया गया था भारत से, यानी 1937 में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले सब्दम मैदान को क्या कहते हैं, ये बताना है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, ध्यान से क्वेश्चन लगाना, ठीक ना, और मैदान, किस मैदान को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो ये कहा जाता है, बताओ कौन सा कहा जाता है, तो भावर, भावर कहा जाता है इसे, भावर कहा जाता है, भावत के बाद तराई आता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भावर इसे कहा जाता है। खादर मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये सभी चैप्टर आप लोगों को कराया गया है, ठीक है, तो सभी चैप्टर कराया गया है, तो आप लोग को बस जल्दी जल्दी रिविजन कर लेना है, क्योंकि चलो ठीक है। ये देखो भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के दो या दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मैं देखता हूँ आप लोगों में से कौन से सही लगाते हैं, ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, बताओ बताओ, चलो ठीक है। कितना है यहाँ पर, आठ, चार है, चार माफ करना, चार है। अब चार कौन कौन है, तो पहला नंबर तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम देखोगे किससे किससे बाउंड्री बनाता है, ऊपर में देखोगे आपको चीन के साथ बनाएगा, पूरब में देखोगे भूटान के साथ बनाएगा, पश्चिम में देखोगे आपको नेपाल के साथ बनाएगा। तो पहला तो आपको क्या हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा। फिर दूसरा में तुम्हारा पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ बनाएगा, भूटान के साथ बनाएगा, नेपाल के साथ बनाएगा, तीन राज्यों से ये भी बनाएगा। तीसरा में देखोगे आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश देखोगे म्यांमार के साथ बनाएगा, चीन के साथ बनाएगा, और एक तरफ से भूटान के तरफ से बनाएगा। ये आपको देखोगे तीन हुआ। अब चौथा बताओ कौन हो जाएगा, चौथा बताओ बताओ बताओ, हाँ चौथा में लद्दाख हो जाएगा। चौथा में कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख इसलिए हो जाएगा कि एक लद्दाख का 106 किलोमीटर पीओके वाला जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, कुछ जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, कुछ चाइना के साथ लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें चार ऐसे राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री तीन बनाते हैं, यानी कि दो से अधिक बनाते हैं, दो से अधिक दिया हुआ था, तो ऐसे चार राज्य आपको पता होना चाहिए। राज्य के साथ केंद्र शासित राज्य भी दिया होता, कितने संघ राज्य यहाँ पर केंद्र शासित राज्य भी है, ध्यान से लगाना है क्वेश्चन। तो टोटल संघ राज्य और राज्य मिला लिया जाए तो चार ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांझली द्वीप है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपको असम में स्थित, असम में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है कि असम की शोक नदी, यानी ब्रह्मपुत्र को घोषित कर दिया जाता है, जैसे बिहार में कोसी नदी को घोषित कर दिया जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में घोषित कर दिया जाता है, और उड़ीसा में देखोगे महानदी को घोषित कर दिया जाता है। यहां पर देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, भारतीय मानक समय का अभ्यंतर नहीं गुजरता है, तो भारतीय मानक समय का अभ्यंतर यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है यह नहीं गुजरता है, बताओ किससे नहीं गुजरता है। ठीक है, आपको रात में ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक, होमवर्क, ठीक है। यहां पर देखो भारत के मानक समय जो कहां से नहीं, पांच राज्यों से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा, महाराष्ट्र नहीं गुजरता है, पहले नंबर उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, ऐसे पांच राज्य है जहां से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक ना। यहां पर आपको महाराष्ट्र नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीपीय है, यानी कि प्रवाल भित्ति से, यानी कि ये आपको बना हुआ है, सो प्रवाल भित्ति से देखोगे कौन बना हुआ है द्वीप, अब देखो
यहां पर एक छोटा सा आपको केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, ये परवाल भित्ति से बना हुआ है, यानी कि परवाल द्वीप है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लक्षद्वीप हो जाएगा। 22 के आंसर देख लो, 22 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा हूं, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट मैं करा रहा हूं और थोड़ा आसान भी आप लोगों को लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर पहले आप लोग पढ़ चुके हो। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक संघ राज क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, बताओ सबसे छोटा जो हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से, इसमें से कौन संघ राज क्षेत्र हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये जो हो जाएगा, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो जाएगा। और अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब में तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। क्वेश्चन 24 देख लो, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये लगाओ क्वेश्चन में, देखता हूँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन लगाना होगा आपको, ये इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, आराम से लगाओ, ये क्वेश्चन बनेगा इस बार। ये देखो ये पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च पर्वत आपको, तो भारत के सर्वोच्च पर्वत पूछ रहा है, यानी कि भारत का पूछ रहा है, तो केटू का नाम सुने होगो, जो कि पीओके वाला क्षेत्र में, पीओके वाला नहीं कि कौन सा, ये हो जाएगा आपको गाडविन आस्टिन जो हो जाएगा, जैसे केटू कहा जाता है, ये काराकोरम का है, ध्यान में रखना ये काराकोरम का श्रेणी है, और ये भारत के सबसे ऊंची यानी कि आपको सर्वोच्च आपको पर्वत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन दे रहा है, ये अलग क्वेश्चन है, 15 नंबर देख लो, भारत में हिमालय के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, भारत में हिमालय के अब दे रहा है, यानी कि हिमालय अगर देखो हिमालय का देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाता है, माउंट एवरेस्ट हो जाता है, 8848.86 मीटर होता है, ये कहां पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, कहां पर है, नेपाल में स्थित है। बट ये पूछ रहा है कि भारत में आपको हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो सिक्किम में पड़ता है आपको कंचनजंघा, यानी कि सिक्किम में देखोगे, सिक्किम में कहां पड़ेगा, सिक्किम में देखोगे कंचनजंघा पड़ेगा, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। हाँ सर जिला, ये प्यास लगा है, और आप देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका, कंचनजंगा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 26 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है असम राज्य में कौन सा स्थित है, खाना लगा रख दीजिए, हो गया तब फ्री। चलिए यहां देख लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन हिमालय के पर्वत चोटी असम में स्थित है, असम में एक चोटी का नाम आप लोग जानते होंगे जिसका क्या नाम है, नामचा बरवा, अक्सर आप देखे होंगे न्यूज में यह रहता है नामचा बरवा, तो यह असम में स्थित है। एक चोटी आपको याद रखिएगा, आपको पूछता है कि जो कीपनुमा है, जो मेघालय में बारिश का कारण भी बनता है, गारो खासी, ये सब जो है ये आपको मेघालय में पड़ता है, नंदा देवी देखोगे उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक, धौलागिरी देखोगे ये कहां पर पड़ता है, नेपाल का है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो कि 27, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ये बताओ, ये पूछ रहा है लघु हिमालय के, लघु हिमालय वाला जो क्षेत्र होता है इस पर आपको छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे, इस घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में बताओ क्या बोला जाता है, उत्तराखंड में तो बुग्याल बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है, जैसे गुलमर्ग हो गया, अलग अलग जो मर्ग होता है आप देखिएगा, वो छोटा छोटा बहुत आपको गदीदार जो होता है घास का आपको होता है, उस पर आपको लगेगा कि चटाई है घास का, ठीक ना, गदीदार होता है, तो इसे जम्मू कश्मीर में बोला जाता है मर्ग, और उसी से बना हुआ है गुलमर्ग, यानी गुलमर्ग जगह का नाम है। 27 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देख लो, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकानयोमा, अरकानयोमा जो है आपको बताना है ये कहां पर स्थित है, अरकानयोमा जो स्थित है ये आपको बताना है कहां पर स्थित है, तो ये म्यांमार के सहारे स्थित है, यानी कि म्यांमार यानी कि बर्मा के सहारे स्थित है, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा, अरकानयोमा, ये जो है पूरब के आपको है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, गुरु शिखर जो है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च चोटी है, तो गुरु शिखर आप देखोगे किसका सर्वोच्च चोटी है, बताओ इसका आंसर, तो गुरु शिखर पर देखोगे कि एक जैन धर्म का मंदिर भी है, माउंट आबू देखोगे, ये आपको गुरु शिखर ये कहां पर है, तो ये अरावली का है, अरावली सबसे पुराना आपको हो जाएगा पहाड़, ये भी याद रखिएगा, सबसे पुराना विश्व में पहाड़ों में अरावली का नाम आता है, तो अरावली है श्रृंखला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली मुख्य रूप से देखोगे कि आपको राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र अरावली का राजस्थान में ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30 देख लीजिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, पूर्वी घाट जो है उसका आपको सर्वोच्च शिखर का नाम बताना है, पूर्वी घाट का
देखोगे सर्वोच्च शिखर का नाम बताना है, पूर्वी घाट यानी कि इधर वाला का सर्वोच्च शिखर देखोगे उड़ीसा में पड़ता है ना, जिसका नाम क्या है महेंद्रगिरी हो जाएगा, पूर्वी घाट का क्या हो जाएगा महेंद्रगिरी, और दक्षिण का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाई मोडी, और उसके बाद हो जाएगा दोदा बेटा जो कि नीलगिरी की चोटी है, दूसरा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दक्षिण का। आगे चलते क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, लगाइए इसमें से। छोटा नागपुर पठार से देखोगे दामोदर नदी निकलता है, ये भी याद रखिएगा, और बंगाल की सोख किसे कहा जाता था, पहले दामोदर नदी को कहा जाता था, वो तो काफी अब प्रदूषित नदी भी हो गई है दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार देखोगे सबसे ऊंची पठार है छोटा नागपुर का, ये देखोगे पारसनाथ हो जाएगा, पारसनाथ जो हो चोटी जो हो जाएगा छोटा नागपुर पठार का हो जाएगा, और छोटा नागपुर आपको देखो नागपुर छोटा नागपुर पठार जो होता है ज्यादातर देखोगे ये आपको झारखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा, इसे भारत का रूर भी कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर या सबरीमाला जगह भी स्थित है, पहाड़ी भी स्थित है, यह है ये बताना है, ये तीनों में से कोई भी दे देगा तो आपको एक ही आंसर लगाना है। सबरीमाला मंदिर भी आप जानते हैं, सबरीमाला जगह भी है, और सबरीमाला की छोटा सा पहाड़ी भी है, ये कहां पर स्थित है, ये आपको केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपको सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 33 देख लो, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अन्नपूर्णा जो चोटी है हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है, अन्नपूर्णा जो चोटी है किस हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित, लगाइए क्वेश्चन, क्या लगा रहे हो, अरे ऑफलाइन, अरे एक बात बताओ, अभी ऑफलाइन एक और क्लास लिए हम, फलतुआ हल्ला कर रखा है सबके, ऑफलाइन क्लास सर जी शुरू कर दिया, ऑफलाइन पर ज्यादा ध्यान दे रहे, अभी ऑफलाइन परसों से स्टार्ट हो रहा है, एकदम तुम लोग का दिमाग भुथरा गया है काजी, ऑफलाइन पर हम ध्यान देंगे अब तुम लोग को छोड़ देंगे, अजीब इंसान तुम लोग भी हो। मैंने बोला है ना कि साइंस का जो भी होगा वो आप लोगों को भी क्वेश्चन मिलेगा, ऑफलाइन में भी मिलेगा, बट ऑफलाइन में फुल टेस्ट आप लोग ऑफलाइन में जो फुल टेस्ट लगाएगा यहाँ पर बैठकर हमारे सामने लगाएगा, मैं देखूंगा उनका कौन सा सेक्शन कमजोर है, अजीब इंसान है मैं, क्यों तुम लोगों के साथ ज्यादती करूंगा कि ऑनलाइन वाला अलग होगा ऑफलाइन, ऑफलाइन तो अभी शुरू भी नहीं किया हूं, अभी पहला क्लास भी नहीं हुआ है, कल सिलेबस के बारे में, कल स्ट्रेटजी के बारे में बात किया जाएगी कि कैसे कैसे क्या होगा, हद्दे इंसान हो भैया तुम लोग भी, फलतुआ में सोच रहे हो कि ऑफलाइन ऑफलाइन, अब फलतुआ में ये सब खाली लड़की अफवाह फैलाई हुई है, ठीक ना, कि ऑफलाइन पर ध्यान दे रहे हैं, ईद पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक, धन्य इंसान हो तुम लोग भी, ठीक ना, अरे इसका आंसर बताओ, ये अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है, अन्नपूर्णा का नाम जानते हो ना, अन्नपूर्णा किसकी चोटी है, यानी कि अन्नपूर्णा हिमालय, कौन हिमालय की चोटी है, ये ध्यान रखना, कौन हिमालय के कौन से चोटी पड़ता है अन्नपूर्णा चोटी, तो ये हो जाएगा नेपाल वाला हिमालय, और नेपाल ही हिमालय में देखोगे सबसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर देख लो 34, आर्यों ने भारत को, आर्य जब आए थे देखोगे बोला जाता है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, सो आर्य जब आए थे तो कौन से दर्रे से होकर प्रवेश किए थे भारत में, सो आर्य जो आए थे तो ये भारत में खैबर दर्रा से, कौन सा हो जाएगा खैबर दर्रा से, खैबर, काराकोरम रेंज भी है, काराकोरम दर्रा भी है, तो सबसे ऊंची जो दर्रा पूछे तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा, और रेंज भी है तो इसे बोला जाता है क्या हिमालय के रीढ़ बोला जाता है काराकोरम, कोई भी याद रखिएगा आगे पूछे तो, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 34 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताओ इसका आंसर, आसान क्वेश्चन है, जिलेपला नाथुला, ये बताओ इसमें नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है, लगाओ इसमें से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर, 35 का दर्रा से संबंध हो, एक क्वेश्चन श्योर तुम लोग के एग्जाम में आने वाला है दर्रा से, एकदम संबंध लो क्वेश्चन, तो बताओ ये किस में होगा, अरे ना सुधरोगे तुम लोग ना, गजब के इंसान हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी कुछ नहीं हुआ है, सिक्कम हो जाएगा, सिक्कम हो जाएगा, तो ऑफलाइन क्लास पर ध्यान दे रहे हो, ऑफलाइन जान ले लेंगे समझ लो, कहीं क्लास करा देंगे 14 घंटा 15 घंटा लगता है ना, समझ समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल कौन सा है, सो हिमाचल प्रदेश के एक सबसे बड़ा आकर्षण स्थल बताओ, हिमाचल प्रदेश में कौन सा एक बड़ा आकर्षण स्थल भी है और वो दर्रा भी है, ये आपको बताना है, वो दर्रा भी है तो ओबीसी से जानते हो कि रोहतांग दर्रा जो स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 37 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग में आपको पहाड़ी दर्रा सुमिलित नहीं है, कौन सी इसमें से पहाड़ी जो दर्रा है ये कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 37 लगाओ, कौन सी पहाड़ी जो दर्रा है ये 37 आपको लगाना है, तो रोहतांग दर्रा देखो सिक्किम में है भैया, देख लो यहां पर तुम लोग का पहला ही ये दे रहा है कौन सी सम्मिलित है यहां पर, सॉरी देख लो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले, ये लोगों क्या दे रहा है कि कौन से सम्मिलित है इसमें से, नहीं नहीं दिया है कहीं भी, यहां से सम्मिलित कौन सा, यानी कि चारों में से कोई एक आंसर होगा,
तो बताओ इसमें से कौन सा एक, लीपू लेख उत्तराखंड में है, यही तो आंसर हो जाएगा ना, बाकी नाथुला थोड़े ना है, नाथुला थोड़े ना अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा, रोहतांग थोड़े ना सिक्किम में स्थित है। तो ये जो गलत दिया हुआ है तीनों का तीनों, यहाँ पर एक ही चीज है लीपू लेख नीति जो होगा मानना, ये सब उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो ये कौन सी जलधारा बनती है, ये आपको बताना है। लगाओ इसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र निकल मिलती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में मिलती है तो उसमें आपको पद्मा हो जाएगा, ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से तीनों में से बताओ। सांगपो तो हो जाएगा आपको, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अब दो तुम्हारे सामने है, मेघना है जामुना है, बताओ इसमें से कौन सा होगा। 38 के आंसर लगाओ क्या हो जाएगा बताओ। चलो एक होमवर्क दे तुम लोगों को, चलो ये याद कर जाना, ये क्वेश्चन श्योर पूछेगा तुम लोगों को, ठीक ना। आंसर हम छुपा लेते हैं तुम लोगों से, आंसर छुपा लेते हैं क्योंकि आंसर शुरू में तुम लोग कुछ लोग चोरी किया है, आंसर शुरू में आंसर इसलिए चोरी किया है कि सामने वाला बी लगा रहा था और फिर बाद में तुम लोग आंसर बदल दिए हो, ठीक। तो ये ऊपर वाला जो मैंने दिया तुम लोग का होमवर्क दिया, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। यहाँ 39 देखो, किसके बिहार में दुख कहा जाता है, शोक कहा जाता है, अभिशाप कहा जाता है, बताओ शहरों कहा जाता है, यानी कि इसमें से कौन सी नदी को कहा जाता है जो रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, वो रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, बिहार की शोक कहलाती है। अब डेली आप लोगों को 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया करूंगा, एक बार ध्यान में रखना, और अगले दिन उससे पूछूंगा, अगर कोई गलती जवाब देगा तो समझ लो फिर क्या होगा। यहाँ पर देखो, किसे बिहार का दुख कहा जाता है, सैरो ऑफ आपको जो होता है बिहार को कहा जाता है, रिवर जो है बिहार का कौन सा रिवर है, ये आपको देखोगे ये कोसी हो जाएगा। कोसी क्या है, रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, कोसी रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, इसलिए काफी ज्यादा बाढ़ लाती है और ये क्वेश्चन बनता है। बीपीएससी में ऐसी क्वेश्चन पूछ दिया था कि बिहार की शोक नदी कौन सी होगी, डायरेक्ट यही क्वेश्चन दिया था, लोग कंफ्यूज आ गए थे, गलत गलत लगा दिए थे, जबकि आराम से लगाना था यहाँ पर कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाता है, बंगाल का शोक कौन सा नदी कहलाता है। देखो अभी तुम लोग क्वेश्चन लगाओगे ना तो बहुत आसान लगेगा, जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिक्स होते हैं, यही क्वेश्चन हमारा रहेगा, मिक्स होगा सब समझ में आ जाता है, क्योंकि कुछ पोर्शन हर एक स्टूडेंट का कमजोर होता है और कुछ पोर्शन हर एक स्टूडेंट का मजबूत होता है, और एग्जाम हॉल में हर क्वेश्चन को तुमको लेकर चलना होता है। मैथ का अलग रहेगा प्रॉब्लम, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, तो जब तक मिक्स मॉक टेस्ट में तुम अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाते तब लोग ऐसे तो तुम लोग आराम से लगा लोगे, क्योंकि रिविजन भी किए हो, पर कल मैंने बोला भी था कि चारों चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है, बंगाल की शोक अब नहीं कहलाती है, पहले कहलाती थी, दामोदर नदी को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 41, तावा किसकी सहायक नदी है, जो तावा है ये किसकी सहायक नदी आपको बताना है, तावा किसकी सहायक नदी है, लगाइए इसमें से। अब देखते हैं तुम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, तावा किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी कोई एग्जाम बिहार में हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सर जी आप होमवर्क में बहुत ज़्यादा टॉपिक दे रहे हैं, कुछ टॉपिक ज़्यादा नहीं दे रहे माहिर, पहले का ये टॉपिक सब पढ़ाया हुआ है, 4 वो टॉपिक दिए थे, ज़्यादा दिए हैं। अरे जल्दी जल्दी तुम लोगों का जितना टॉपिक खत्म किया मेंटेन कर फिर से क्लास आपको जो होगा होमवर्क वाला शुरू कर दिया जाएगा। तावा किसकी आपको सहायक नदी है, तावा तापी का है, यही सब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो जी, आप पूर्व बार बार बोलोगे कि सर जी हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, है? नर्मदा का, तावा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर बहती है, नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ताप्ती भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, यानी कि आपको देखिएगा दो अलग अलग पहाड़ों के बीच से बहती है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, अब लगाओ क्वेश्चन, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखो पहले जब होमवर्क कराए होंगे तो ये सब क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, इसमें थोड़ा डिफरेंट तुमको क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन कराया जाएगा डिफरेंट कराया जाएगा, और 100 दिन में 2 हाली तुमको रिवीजन भी कराया जाएगा, 2 से 3 बार मेरा कोशिश रहेगा रिवीजन, और जितना मैंने टॉपिक दिया है उतना ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहीं से मैंने देखा कि 80 से 90% क्वेश्चन आता है, तो जितना टॉपिक है वही मैं आपको खत्म करने वाला हूँ। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ये कहा जाता है महानदी, और महानदी देखोगे कहाँ बहती है तो उड़ीसा में, मतलब ये देखो क्वेश्चन नंबर 43, भारत का लवण नदी किसे कहा जाता है, भारत का लवण नदी इसलिए कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा है, इसमें पानी जो होता है नमकीन है, और ये आप देखोगे रण के कक्ष में गायब भी हो जाती है, इसका क्या नाम है, लूनी है, अरावली से निकलती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, साबरमती नदी जानते हो कि साबर नदी के किनारे आप देखोगे साबरमती आश्रम आपको स्थापना किए थे महात्मा गांधी, देखोगे साबरमती आश्रम, और यही साबरमती आश्रम देखोगे कि यहाँ से दांडी मार्च किया गया था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 में आपको नमक कानून को तोड़ने के लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारद्मुख
का निर्माण करती है। ज्वारद मुख का निर्माण मतलब कि एक्षुरी बनाती है, एक्षुरी बनाएगी, एक बार ध्यान में रखना एक्षुरी बनाएगी। ये कौन सी नदी होती है जो कि एक्षुरी बनाती है? ये दो तीन नदियां जो होती है एक्षुरी बनाएगी, जो कि कहां जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में देखो गिरती है जाकर। ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी नर्मदा नदी, हो जाएगी ताप्ती नदी, हो जाएगी ये सब नदियां बनाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, महानदी नर्मदा तो सोन नदी का कहां से उद्गम स्थल है? महानदी देखोगे आपको इधर बहता है, सोन देखोगे ऊपर की तरफ बहेगा, और नर्मदा देखोगे आपको आपको पूरब की तरफ बहता है। ये कौन सी आपको बताना है इसमें से कि कहां से निकलती है? तो ये कहीं पहाड़ हो जाएगा, अमरकंटक के पहाड़ से ये सब निकलता है। कहां से निकलता है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलता है, इसे याद रखिए, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, यानी बूढ़ी गंगा भी बोला जा सकता है, वृद्ध गंगा का बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर आपको डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में देखोगे। यहाँ पर देखो अभी ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। अभी इसे कहा कहा जाता है, इसे गोदावरी को क्या कहा जाता है? इसे दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी को कहा जाता है। कावेरी को पानी के लेकर डिस्प्यूट है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में और पांडुचेरी में, इस सब में पानी का बंटवारा होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपको 47, वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? अब मस्त क्वेश्चन आया, वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? लगाओ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 लगाइए। गोदावरी नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेन गंगा पेन गंगा किसकी नदी हो जाएगा? सहायक हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा ना। क्वेश्चन 48 देख लो, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? इसमें से बताना है कौन भूमि बंधित नदी है। एकरा में एगो ये है, क्या नाम है एकर, अंकित हाजीपुर है। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने स्टार्ट किए ना, तो बोल रहा है कि सर जी हमको बीपीएससी टॉप नहीं करना है, दरोगा का लेवल का हो जाएगा, हम ना पढ़ेंगे। जब हम पढ़ाने स्टार्ट करें अभी, तुम लोग तुम्हारे लेवल का थोड़ा सा ऊपर उठाकर तो बोल रहा है कि देख रहे हो विनोद सर जी का पढ़ा रहे। अरे चिरकुट आदमियों का तुम हमको ना समझ में आता है। तुमको पढ़ाई क्या करना है? तुमको अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ाई करना है, कि तुमको क्वेश्चन करना है। तुमको क्वेश्चन हार्ड कराया जाए तब पर भी प्रॉब्लम है, तुमको क्वेश्चन ईजी कराया जाए तब पर भी प्रॉब्लम है। ये तो वही हो गया हाल ना, जो कि गाँव में एक दो लड़कवा होता है, शुरू में जाएगा तो कहेगा खूब आर्मी में दौड़े, खूब आर्मी में दौड़े, मतलब आर्मी मेरा सबसे बड़ा चाहत था। देखा जाए तो खाली नींद मारता था, सोता था, दौड़ता उड़ता नहीं था। जैसे ही अग्निवीर आ जाया, बोल दिया कि ये तब निकल गया रोड पर हमला करने की, हम सबसे ज्यादा दौड़ने वाले इंसान थे, हमारा पर सबसे ज्यादा आघात सरकार ने पहुंचाया है, और वो अनशन पर बैठ गया, चार डंटा खाया, पूरा सपना खत्म हो गया, तो फिर बिहार पुलिस में डाल रहा है। इसी हमारे गाँव में कुछ लड़का सब है, जो कि देखते थे कभी दौड़ता नहीं था, लेकिन आर्मी का टी शर्ट पहन लेगा और खूब ट्रेनों में भांजते चलेगा कि हम आर्मी वाले हैं, हमारा भैया आर्मी में है, ये आर्मी में। जस्ट तुम्हारे में वही हाल है कि करा दो तब पर भी प्रॉब्लम, नहीं करा तब पर भी, कितना बढ़िया थ्योरी स्टार्ट किए थे वो भी तुम लोगों रोक लगा दिए। अब जब बढ़िया करा रहे हैं क्वेश्चन तब पर भी प्रॉब्लम, ना एने के ना होने के हाल वाला, छोड़ो हटाओ। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? कौन सी भूमि बंधित हो जाएगी? यहाँ पर लूनी नदी हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगी। विनोद तुमको भी देख रहा होगा कि कैसन लड़का है ये। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, इनमें से कौन पूरब की तरफ बढ़ने वाली नदी है? अब लगाओ इनमें से कौन सी पूरब की तरफ बढ़ने वाली नदी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम लोग लगाओगे। बताओ पीडीएफ सबका मिलेगा जी। चलो ये कौन हो जाएगी? ये देखो यहां पर चौपट का खजांची रोड है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है और सब लगा रहा है नर्मदा, कहें कि एगो नर्मदा बस याद कर लिया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा मार दो। ये नहीं देख रहा है कि यहाँ पर पूरब की तरफ बहने वाली नदी का नाम पूछ रहा है। एकरा में देखो पश्चिम की तरफ बहने वाली तीन गो नदी दिया हुआ है। पूरब की तरफ बहने वाली नदी एक हो जाएगी, कृष्णा नदी हो जाएगी, बाकी ताप्ती नदी हो जाएगा, साबरमती नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हो जाएगी, ठीक। तो बस अंधेरिया कुछ भी आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस सामने वाला बी लगा रहा है, बी लगा दो,
डी लगा रहा है, डी लगा दो फिर बाद में अफसोस करोगे तुम लोग। मानस किस नदी की उपनदी है, किसकी सहायक नदी है? मानस बताओ, मानस किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है, मानस किसकी सहायक नदी है। फिर बाद में बोलोगे कि सर जी देखिए आसान क्वेश्चन, गलती हो गया, रिजल्ट नहीं हुआ। अरे नहीं होगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखो, ब्रह्मपुत्र की है, ब्रह्मपुत्र को है, आपको देखिएगा ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है, ठीक नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो लो, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भेती वाली नदी कौन सी है, सबसे ऊंची ज्वारीय है, यह ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भेती वाली नदी कौन सा होगा ये देखो। और इस नदी पर तुमको क्या मिलेगा, हावड़ा ब्रिज, ये बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा नदी, ज्वार भेती, सबसे ऊंची ज्वार भेती वाला आपको नदी कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसका क्या नाम हो जाएगा, हुगली नदी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हुगली नदी हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, जो हैदराबाद स्थित है वो मूसी नदी के किनारे है, हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी बुला जाता है, तो मूसी नदी देखोगे इसमें से किसकी सहायक नदी होगी, तो मूसी नदी जो हो जाएगी ये कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, पहले कहा जाता था, अभी भी इसको देखा जाए तो कहा नहीं जाएगा जैविक मरुस्थल, ये जैविक मरुस्थल मतलब कि बहुत गंदगी है, ऐसे तो यमुना में भी देखोगे काफी गंदगी बहती है, तो जैविक मरुस्थल देखो जो किसको कहा जाएगा, यहां पर दामोदर नदी को कहा जाएगा, किसको, दामोदर, जिसे बंगाल के शोक कहा जाता था। क्वेश्चन देखो यहां पर 54, भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, भारत की जो गंडक नदी है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है, तो भारत के गंडक जो नदी है इसे नेपाल में कहा जाता है नारायणी नदी, ठीक ना। अगर नेपाल में वो मंदिर है भगवान शिव जी का, पशुपतिनाथ के मंदिर, याद रखना क्वेश्चन, कभी कभी पूछता है कहां पर ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। क्वेश्चन देखो 55 देखो, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, विंध्य और सतपुड़ा, यानी कि ऊपर की तरफ विंध्याचल होगा, नीचे की तरफ सतपुड़ा होगा, और बीच में से वो नदी धाय देने बहेगी, और इसका क्या नाम है, ये नाम है आपको नर्मदा नदी, कौन सी नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, जो कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 56 देख लो, भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है, और इसी नदी के बदलाव के कारण देखोगे थोड़ा सा जमीन के लिए डिस्प्यूट भी बन जाता है भारत और नेपाल के बीच में, और वो आपको देखोगे उसी नदी के क्षेत्र, उसी नदी के आपको देखोगे कि नदी के नाम पर ही वो क्षेत्र का भी नाम पड़ा हुआ है, यानी कि काली नदी, काली जो नदी है भारत और नेपाल के बीच में क्या होती है, बॉर्डर बनाती है, इसे भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देखो, कालिंदी नदी किसका दूसरा नाम है, ये बताओ इसमें से कालिंदी नदी किसे कहा जाता है, लगाओ क्वेश्चन, कालिंदी जो कहा जाता है ये किसका दूसरा नाम है, बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या होगा, लगाइए क्वेश्चन। तो ये जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये कालिंदी नदी है, जो गंगा है सबसे बड़ी नदी है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, चलो ये हो जाएगा, यमुना नदी को कहा जाता है कालिंदी नदी, बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, उमियम झील किस राज्य में स्थित है, जो उमियम झील है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, उमियम जो झील है ये किस राज्य में स्थित है, लगाइए उमियम झील, मणिपुर में तो लोकटक झील है जिस पर काबुल लमजाओ पार्क तैरता हुआ पाया जाता है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, लगाइए क्वेश्चन। अंकित जब तुम्हारा पढ़ने में मन ना लग रहा है तो कहां है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्वेश्चन 58 लगाओ, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, विनोद जा रहा हूं, अच्छे अभी अभी जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना कोई उसका आंसर नहीं लगाएगा, इसका मैं देखता हूँ कितना बुद्धि है, ठीक, अभी आप लोग मत लगाइएगा, अगला क्वेश्चन जो पूछूंगा इसी के लिए पूछूंगा और यही लगाएगा, ठीक ना, मैं देखता हूँ ये कितना पानी में, ठीक, अगला क्वेश्चन जो भी आएगा इससे तीन क्वेश्चन पूछाएगा, आप लोग मत लगाना, और आप लोग लगाना भी तो आंसर गलत लगाना, वो उसको कोई मायने नहीं रखता, देखते हैं ये विनोद कितना इसमें दम है, ठीक ना, चलो आओ देखते हैं तुम में कितना दम है, आओ ये बताओ कि उमियम झील पहले नंबर कहाँ है, बताना है तुम लोगों को, उमियम जो झील है ये कहाँ पर है, लगाओ ये पहला तुम्हारे लिए यही पहला क्वेश्चन है कि उमियम झील कहाँ पर है, चलो लगाओ ये क्वेश्चन, उमियम झील कहाँ पर है और कैसा ये झील है, मीठे पानी का झील है या खारे पानी का झील है, चलो बताओ कहाँ गए भाई विनोद, विनोद के भाई विनोद कहाँ गए, चलो लगाओ क्वेश्चन, तुम्हारा हम आंसर देख रहे हैं, देख लो महा चिरकुट आदमी को देखो बोल रहा है त्रिपुरा है, अभी इससे एक पूछे क्वेश्चन कि उमियम झील कहाँ है, बोल रहा था कि सबसे आसान मतलब ये चीज है, ये देख लो अभी हो गया तुम्हारा ना काम तमाम, तुम उसी लायक हो,
हर्षक तुमको बढ़िया से लोग इज्जत देता है। उमियम जो झील है ये मेघालय में स्थित है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 59 देखो, लोनार झील, यही भी ना बता पाओगे, तुमको ये भी नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। बस आराम से लिखना चेपना बहुत आसान होता है, क्योंकि सामने आंसर जा रहा है, पढ़ने वाले लड़के आंसर लगा रहे, तुम तो कुछ कर आए नहीं हो, तो तुम्हारे जैसा विनोद का जो टीचर का नाम ले रहे हो वहीं पर काम है, तुम्हारे जैसा विनोद वहीं पर जाकर पढ़ेगा तो बढ़िया चीज होगा। लगाओ ये क्वेश्चन, लोनार जो झील है ये कहां पर स्थित है, तो ये बताना है लोनार जो झील है ये कहां पर स्थित है, ये लगाइए आप लोग, अब लगाइए आप लोग क्वेश्चन, हम समझ गए उसका कितना बुद्धि है। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। हाँ देखो देखो, यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र लगा दिया आराम से। ठीक, तो तुम लोग मतलब समझ रहे हो ना, विनोद जो विनोद बहुत बदमाश है अंकित, ठीक ना, इतना बदमाश है कि इसको कितना बार सिखाया गया कि मत क्वेश्चन का आसानी या हार्ड वैसे नहीं होता है, क्वेश्चन आसान होता भी है, हार्ड भी क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन सबसे बड़ा मायने रखता है, कि कन्फ्यूजन तुम्हारा क्वेश्चन गलत करा देगा, पांच क्वेश्चन भी अगर गलत कर दे तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि पांच क्वेश्चन के लिए ही लड़के आगे बढ़ते हैं, पांच क्वेश्चन पर हजारों रिजल्ट हो जाता है। क्वेश्चन 60 देखो, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किसमें है, सांभर झील है बड़ी खारे पानी का झील है, इसमें सबसे खारा पानी देखो कि सांभर झील में मिलता है, और सबसे बड़ी खारे पानी का झील पूछे तो वो चिल्का झील हो जाएगा, जो कि आपको आपको चिल्का झील लैगून झील है जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है, बट ये देखो कि सांभर जो झील पड़ता है ये कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, राजस्थान में, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो, बेबनाथ झील किस राज्य में है, बेबनाथ जो झील है ये किस राज्य में पड़ता है, आपको बताना है बेबनाथ जो झील है किस राज्य में पड़ता है, बताओ, जो बेबनाथ जो झील है ये किस राज्य में पड़ता है। यहां पर देखोगे कि जो नौका के लिए जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी होता है नौका के लिए इसी में होता है, यानी कि यहां पर नौकायान चलाया जाता है बेबनाथ झील में, मतलब वैसे आपको नौकायान यहां भी किया जाता है, और ये है केरल में स्थित, कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए यहां पर 62 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कलोरू झील स्थित है, कलोरू जो झील है ये किस राज्य में स्थित है, बताओ, कलोरू जो झील है ये किस राज्य में स्थित है, लगाइए क्वेश्चन, अरे इसने इसने क्वेश्चन देगा, ठीक ना, वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो कलोरू जो झील है ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है तुम्हारा आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक पुलिकट झील है, पुलिकट झील का मैक्सिमम पार्ट आपको आंध्र प्रदेश में चल जाता है, कुछ पार्ट जो चल जाता है तमिलनाडु में चल जाता है, यानी तमिलनाडु और आपको आंध्र प्रदेश दोनों शेयर करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक झील है, और उसी झील में एक महात्मा बुद्ध का खड़ा मूर्ति भी आप लोग देखोगे अगर जाओगे तो, यानी हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों सटल है, सिकंदराबाद तक ही तुम्हारा ट्रेन जाता है, हैदराबाद में नहीं जाता, हैदराबाद में चार मीनार भी है, तो यहां पर देखोगे इसमें आपको हुसैन सागर झील पड़ता है, यानी हुसैन सागर जो झील पड़ेगा यह हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में पड़ेगा, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 देख लो, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो धुआंधार जो जलप्रपात है यह किस नदी पर है आपको बताना है, धुआंधार जो जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हारा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर, यानी कि नर्मदा नदी यहां पर लगा लोगे, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देख लो, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये बताना है किस नदी पर स्थित है, बताओ, शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में पूछ रहा है, यहां पर ध्यान में रखना, शिव समुद्रम जलप्रपात पूछ रहा है, ये कौन सी नदी हो जाएगा, कावेरी नदी ना हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, अब लगाओ इसमें से क्वेश्चन कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है तुम लोगों को, बताओ सर जी, वीक में 3 दिन थ्योरी पढ़ाइए और बाकी 3 दिन में थ्योरी आप पढ़ाइए ना उसी में, देखो हम अलग तरीका से पढ़ाने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि एक दिन आप लोगों को लंबा क्लास रखेंगे, यानी कि हर वीकली में एक आपको लगाऊंगा, यानी कि ये तो चलते रहेगा, वीकली में एक आपको जैसे ऑफलाइन में भी रहेगा वो ऑनलाइन में भी रहेगा, वीकली में मैं आपको 10 चैप्टर तैयार करूंगा, ठीक, एक वीक में एक आपको करूंगा, और वो 10 चैप्टर जो भी होगा उसका थ्योरी जो होगा शॉर्ट में इतना नहीं लंबा, जैसे 3 घंटा का सिंधु घाटी सभ्यता नहीं उतना नहीं लंबा, आपको शॉर्ट में मैं जो मुझे लगेगा पढ़ाना है उसमें उसका थ्योरी पर उसके साथ आपको क्वेश्चन, थ्योरी उसके साथ क्वेश्चन, शॉर्ट में 3-4 घंटा या 5 घंटा भी क्लास चलना होगा चलेगा, यानी कि ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों एक ही साथ मैं लाइव कर दूंगा, और संडे को या सैटरडे को ये काम करूंगा कि आपको जिस दिन लड़के छुट्टी मनाते हैं उस दिन ये काम कर लें, यानी कि वो भी आपको मजा हो जाएगा, टेस्ट भी पढ़ दोगे, थ्योरी भी खत्म हो जाएगा, और बाकी ये जो चलेगा वो चलेगा ही चलेगा, और साइंस जो डेली स्टार्ट होगा वो भी चलेगा, ठीक ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों से ज्यादा मुझे मेहनत करना इसलिए कि मुझे चाहिए तुम लोगों से रिजल्ट, ये देखो कि भालकुंड नहीं है, बाकी दूधधारा आपको ये देखो कि भेड़ा घाट कपिलधारा ये सब नर्मदा नदी पर है, ये हो जाएगा बी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, काकोलक जलप्रपात बताओ है यहां पर, हाजीपुर ये कहां है, भीम चलो यहां से हम नहीं पढ़ेंगे,
अब भीम को कहां ले जा रहे हो? भीम थोड़े ना कुछ बोला है भीम। चलो अब ये वाला के आंसर बताओ, चलो हटाओ अपना इज्जत मेंटेन करो, यहां से बताओ। 67 लगाओ, 67 लगाओ अंकित, चलो 67 लगाओ। ये बीपीएससी में पूछा था 67, बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था ना, और वहीं पर मेरा एग्जाम भी पड़ा था, तो ये पूछा था यहाँ पर। कहाँ पर है ये? नवादा में, ठीक, नवादा में। नवादा वाले लोग तो जान ही रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये देखो 68 देख लो। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सो चित्रकूट जलप्रपात का आपका नाम बताना है। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? लगाइए, चित्रकूट जल जलप्रपात आपको मिलेगा, ये कौन से कहाँ क्षेत्र मिलेगा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला क्षेत्र में मिलेगा। और तो वहां पर एक नदी मिलती है, इसका नाम है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी पर देखोगे चित्रकूट जलप्रपात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 69, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जो जोग जलप्रपात है, जोग गरसुप्पा जो जलप्रपात है, ये कौन सी नदी पर मिलेगा? ये आपको देखोगे कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको कर्नाटक में मिलेगा, ठीक, कर्नाटक में मिलेगा। और ये सरावती नदी पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा? सरावती नदी पर मिलेगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंत भला तो सब भला, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, ये आपको नाम बताना है। ये हो जाएगा दोदा बेटा, और सबसे पहली जो हो जाएगा अनाई मुडी हो जाएगा, और दोदा बेटा नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलो यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ, 70 क्वेश्चन आज कराना था। होमवर्क अभी आपको डाल दिया जाएगा, अभी तुरंत आपको होमवर्क में डाल दूंगा। आप लोगों का क्लास खत्म हो चुका है, मुझे भी कहीं जाना है, तो अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, और होमवर्क आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे किसी को भी ये चीज नहीं है कि किसी को डर्मलाइज करना है या किसी को कम आंकना है किसी को ज्यादा, हमको सबको लेकर चलना पड़ता है बाबू। अगर तुम पढ़े हुए हो, दरोगा की तैयारी किए हो, तुम्हारे लिए आसान बहुत से क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट है जो जीरो से शुरुआत करते हैं, हमसे जुड़ने का कारण उनका वही है कि बहुत सिंपल तरीका से वो लोग पढ़ ले, तो सबको साथ में लगेगा। यानी कि तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, तो किसी के लिए कोई क्वेश्चन ईजी हो सकता है, तो सबको टीचर को सबको लेकर चलना पड़ता है। अगर तुम प्रॉपर चाहते हो कि तुमको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, तो जिस दिन बीपीएससी का बैच स्टार्ट होगा, दरोगा का बीपीएससी स्टार्ट होगा, उसमें अपना जलवा दिखाना। अगर बिहार पुलिस को बिहार पुलिस की तरह हम तैयारी ना कराएं और दरोगा की तरह बीपीएससी की तरह तैयारी कराने लगे, तो उतना समय भी लगेगा, और फिर आप देखोगे उतना हार्ड क्वेश्चन भी सेट करना पड़ेगा। तो आपको बस यही है कि आपके एग्जाम निकलना है, और आप ही लोग बोलते हो कि सर जी हमको बस एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकलवा दीजिए, वैसा क्वेश्चन कराइए, तो वैसा ही क्वेश्चन करा रहा है। मेरे बातों को किसी ने बुरा मत मानना, कोई अन्यथा मत लेना, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखना, और फिर हम चलते हैं, और अपना स्कोर बता देना आप लोग। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, हरे कृष्ण हरे रामा, बाय बाय।